हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की अपडेट के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लोकेशन है ये झाबुआ ज़िले के थानदला तहसील के आमली विलेज का है। फ्रेंड्स, ये जो लोकेशन है पहाड़ी का लोकेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ में देखिए, यहाँ जो सब पे सब ग्रेड का प्रिपरेशन किया जा रहा है। ये जो सब ग्रेड है, ये इसकी जो लेंथ रहेगी वो 200 मीटर की रहेगी। यहाँ पर देखिए, कुछ लेवल अचीव किया जा चुका है और यहाँ पे कुछ लेवल बाकी है, जिसके लिए फाइन मटेरियल यहाँ पे डंप किया जा रहा है। एक यहाँ पे एक डंपिंग मैन है जिसके द्वारा मटेरियल को अनलोड करवाया जा रहा है। जो डंपिंग मैन होता है वो इस हाईवे में जो ड्राइवर होता है उसको इशारा करता है और आगे की ओर मूव होने के लिए कहता है, ताकि जो मटेरियल है वो पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर जितना रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर गिर सके। उसके बाद जो हाईवा है वो आगे की ओर मूव हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे जो फाइन मटेरियल है उसको डंप करवाया जा रहा है। यहाँ हाईवा आता है, मटेरियल को डंप करके चला जाता है, फिर दूसरा हाईवा आता है, मटेरियल को डंप करके चला जाता है। देखिए किस तरह थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल को यहाँ पर गिराया जा रहा है। और सामने की ओर आप देख सकते हो एक डंपिंग मैन है जिसके द्वारा मटेरियल को डंप करवाया जाता है। एक डंपिंग मैन होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो जो हाईवा होगा वो एक ही ढेर में पूरा कंप्लीट करके चला जाएगा, इसलिए एक डंपिंग मैन यहाँ पे रखा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किस तरह से डंप किया जा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड कुछ ज़्यादा मात्रा में मटेरियल गिराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा फीलिंग है, इसलिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल गिराया जाएगा। वो इशारे कर रहा है, अब देख सकते हो ये इशारे किया उसने, पूरा गिरा दो करके। ये ड्राइवर ने जो डाला है वो ऊपर करते हुए पूरा मटेरियल एक ही जगह अनलोड कर दिया। उसके बाद आगे की ओर मूव करके वो जो डाला है उसको नीचे कर रहा है। देखिए, राइट साइड का लोकेशन है, यहाँ पे आगे का जो लोकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। 200 मीटर का जो बाकी था वो अभी किया जा रहा है। उसके बाद राइट साइड का लोकेशन जो रहेगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये डंपिंग होने के बाद यहाँ पे ग्रेडर के द्वारा इसको फैला दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्शनिंग किया जाएगा और उससे पता लगाया जाएगा कि जो छेनेज है वहाँ पे कितना क्या फिलिंग और कटिंग आ रहा है, उसके हिसाब से फिर लेवल चेक किया जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डंपिंग मटेरियल को अनलोड किया गया था वो ग्रेडर के द्वारा फैला दिया गया है और रोलिंग भी किया जा चुका है। और यहाँ अभी सेक्शनिंग का वर्क किया जा रहा है ग्रेडर के द्वारा। देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे तीन बंदे हैं, जो दो बंदे थ्रेड पकड़ रहे हैं और एक बंदा है जो चेक कर रहा है कितना कटिंग और कितना फिलिंग है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बंदे हैं वो यहाँ पे दो पेक्स लगाए गए हैं साइड में, जिस पे लेवल दिया गया है और उस लेवल पे धागा पकड़ के, और जो बंदा बीच में है वो डीप चेक कर रहा है कितना सेंटी फीलिंग है, कितना सेंटी कटिंग है। जो भी फीलिंग और कटिंग रहेगा फ्रेंड्स, वो ग्रेडर ऑपरेटर को बताया जाता है। उसके बाद ग्रेडर ऑपरेटर उसके हिसाब से फीलिंग का और कटिंग का, जो यहाँ उस प्लेस पे जितना फीलिंग और कटिंग रहेगा वो ग्रेडर के ब्लेड के द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है। सेक्शनिंग होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार और रोलिंग की जाएगी, उसके बाद वाटरिंग की जाएगी, सूखने के बाद फिर से रोलिंग की जाएगी। यह देखिए किस तरह से सेक्शनिंग किया जा रहा है। ये जो बंदा है ये पेक्स पे जो लेवल है उसके लेवल पर धागा पकड़ के रखा हुआ है, और बंदा बीच में जो डीप चेक कर रहा है। देख सकते हो फ्रेंड्स, इस चैनल पे पूरा ओके था, इसलिए उसने ओके करके बता दिया किस तरह से। अगर एक सेंटी रहेगा तो एक सेंटी अप और डाउन जो भी रहेगा उसको इशारा करके बताया जाएगा। यहाँ देखिए, ये जो बंदा है ये पेक्स के ऊपर लेवल है उस पर पकड़ रहा है,
देख सकते हो। उसके बाद आगे के और भी एक बंदा जो रहेगा, वो भी जो लेवल है उसके ऊपर पकड़ेगा, और बीच वाला बंदा डीप चेक करेगा कितना क्या फीलिंग और कटिंग रहेगा, उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है। और फाइनल होने के बाद यहाँ पे वोटरिंग की जाएगी, फिर रोलिंग की जाएगी, और लास्ट में कंप्लीट हो जाने के बाद, रोलिंग और वोटरिंग हो जाने के बाद, यहाँ पे टोटल स्टेशन के द्वारा पॉइंट दिए जाएंगे, और यह उस पॉइंट पे ऑटो लेवल की सहायता से लेवल उठाया जाएगा। उसके बाद फाइनल लेवल है वो अचीव हो चुका है, हो जाएगा, और वो आगे भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद GSB डाला जाएगा, GSB के बाद WMM डाला जाएगा, WMM के बाद DBM डाला जाएगा,